हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अभिषेक में। और आज इस वीडियो में स्टार्टिंग से पहले मैं सबसे पहले आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप सभी को दिल से धन्यवाद और आपके सपोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं फ्रेंड्स। और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि एक हफ्ते पहले हमने अपना कंप्लीट किया 2000 सब्सक्राइबर्स को। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, एक और खुशखबरी की बात है, जिस मैसेज का इंतजार अपने हर एक यूट्यूबर्स को होता है यूट्यूब की तरफ से, वो ये है कि मेरा चैनल भी फाइनली मोनेटाइज हो चुका है, अब उस पर एड्स वगैरह आने शुरू हो गए हैं, ठीक है, तो कुछ अर्निंग भी होने लगेगी उस पर। और साथ ही साथ इस सपोर्ट्स के लिए, इस वर्क के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से मैं देना चाहता हूं। क्योंकि फ्रेंड, जैसा कि मैंने 2 से 3 महीने पहले एक वीडियो बनाया था, स्लाइड पे आप देख पा रहे होंगे इस टाइम, कि मैंने 1000 सब्सक्राइबर करने के लिए बहुत सारे मेहनत किया और नियर अबाउट उस पर लगभग 1 साल का टाइम लग गया था, 12 महीने का पूरा टाइम लग गया था। लेकिन फ्रेंड्स, इस 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट, जो नेक्स्ट हमारा 1000 सब्सक्राइबर था, आपके सपोर्ट से बहुत ही जल्द विद इन 2-3 मंथ के अंदर ही कंप्लीट हो चुका है। और आई होप कि आप सभी का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही हमेशा हमारे अगले 1000 सब्सक्राइबर या 1 लाख सब्सक्राइबर के लिए हमेशा मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपने इतना हमेशा सपोर्ट किया है तो मैं अपने सभी स्टूडेंट भाइयों के लिए कुछ न्यू स्कीम या न्यू चीजें लेके आया हूं, जो कि आपको, आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर, जैसे आप सब जानते होंगे कि एक प्रतियोगी परीक्षार्थी को हमेशा से नीड होती है, हमेशा से बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो मैं अब से अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वहां पे डेली बेसिस पे आपको द हिंदू न्यूज़पेपर, जो आपका नेशनल एडिशन, और साथ ही साथ दैनिक जागरण या कोई भी आपको जो नेशनल एडिशन बेस्ड पेपर, ई पेपर के माध्यम से आपको पीडीएफ फॉर्म में वहां पे मिला करेगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी आपके अपनी इस चैनल पे हमेशा जो भी न्यू अपकमिंग एग्जाम आता रहता है उसके लिए क्रैश कोर्स तो चलाता रहता हूं। फ्रेंड्स, वीडियो में थोड़ी थोड़ी आने में प्रॉब्लम होती है या 1-2 दिन 3 दिन के गैप में आता है, तो मैं अब से अपने इस टेलीग्राम ग्रुप है जो हमारा, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े भी हैं, उनको पीडीएफ के फॉर्म में बहुत ही बेस्ट मटेरियल, जो कि मेरे खुद के प्रयास है, हमारे टीम के प्रयास से, आज शायद अभी कुछ बिजी होने के नाते वो हमारे साथ में नहीं है, बट जल्दी उन सबसे आपकी मुलाकात भी कराऊंगा एक चैनल, एक वीडियो के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, उनके बेस्ट इफर्ट से आपको फ्री अवकाश प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, तो वो सारी मटेरियल्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में रहेंगे। और अभी हाल ही में 2-3 रिजल्ट आया है जिसके लिए हमारे स्टूडेंट भाई काफी फ्रस्ट्रेट थे और काफी लोग का मैसेज आया था कि सर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो मैं उनके लिए कुछ लाइनें बोलना चाहूंगा, ठीक है, तो आप जरा इसको ध्यान से सुनिएगा, जो कि सारे हमारे अमिताभ बच्चन जी के द्वारा ही कहा गया है सब चीजें। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन सीखा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, दानव के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों रचा स्वयं, जी हाँ फ्रेंड, अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तुम हालातों की भट्टी में मुझको जब जब तुम झोंकोगे, तप तप कर सोना बनूंगा मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। फ्रेंड्स, ये मेरी लाइफ डायरी है जो मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा, कुछ मोटिवेशन थॉट्स है और बहुत सारी चीजें है जो मैं हमेशा टाइम टाइम पे अगर अपने फ्री टाइम में लिखता रहता हूँ। और मेरे पास में एक बोधि वृक्ष का पत्ता है, जी हाँ फ्रेंड्स, ये वही बोधि वृक्ष है जिसके नीचे साल का वृक्ष, जिसके नीचे हमारे गौतम बुद्ध जी ने तपस्या की थी और बड़े मुश्किल से ये किसी फ्रेंड से मुझे गिफ्ट किया था,
तो ये चीज मुझे मिली है और मैं हमेशा इसको संजोए रखता हूँ और बार बार बीच बीच में इसको देखता रहता हूँ। तो ये जो चंद लाइनें थी फ्रेंड मेरे उस स्टूडेंट भाइयों के लिए थी, क्योंकि बहुत सारे बीच बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, एक रिजल्ट नहीं, दो रिजल्ट नहीं, बहुत सारे रिजल्ट में ऐसी प्रॉब्लम होती है कि हम कुछ नंबर से रुक जाते हैं, कुछ नंबर से हमारा फाइनल सिलेक्शन रुक जाता है। तो आप ये मान लो कि आपने लगभग अपना 99% अपना इफर्ट दिया है, ठीक है फ्रेंड, तो थोड़ी सी 1% की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो रही है, उसको पहचानो और उस पर हार्डवर्क करो। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पास नहीं तो कर होने वाला है, बट बी कंटिन्यू, बी ऑनेस्ट फॉर योर वर्क, ठीक है। एक सजेशन, एक सुझाव कह सकते हो मैं आपको दे रहा हूँ, और साथ ही ये चीज मैं खुद अपने लिए करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे दिन ब दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया करने को मिलता है, और इनफैक्ट कुछ अच्छा भी हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, एट लास्ट वीडियो के मैं आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही प्यार, ऐसे ही सपोर्ट आपके द्वारा हमेशा मिलता रहे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।